वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आज मैं अपना गाड़ी का हैंडल बार मिरर फिट करूँगा। ओके, लास्ट टाइम हमने एलईडी चेंज किया था, ये जो पिलन सीट इसको हमने हटा दिया था। आज हैंडल बार मिरर ये मैंने मंगाया है ऑनलाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। इसका प्राइस पड़ा वही 800 के आसपास। ये इसको मैं अनबॉक्स किया, आप देख सकते हो इसमें मेरे को ये मिरर आया, ये वन, ये टू। इसके साथ एक गारंटी भी दिया हुआ है, लेकिन वो एल्यूमिनियम का है, वो क्वालिटी सही नहीं है। तो इसको फिट करने के लिए अपने को ये देखिए, ये आ गया दो हैंडल बार मिरर, जो कि मेरा यहाँ पे मैं इसको, और ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप चाहे ऐसे करके ऐसे भी फिट कर सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे भी आप इसको ऐसे ऐसे करके भी एडजस्ट कर सकते हो, या तो फिर अगर आप घुमा के करते हो तो नहीं, घुमा के ऐसे ऊपर नीचे ये आप ऐसे लगा सकते हो। तो इसको फिट करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए एलंकी सेट। ये रहा एलंकी सेट, इसमें या तो फिर ये स्पैनर जो है 5 नंबर का गोटी से आपका ये, इसको पहले मेरे को ये जो इसका वेट बार है इसको निकालना है, इसके बाद मेरे को फिट करना है। तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कैसे आपको खोलना है। जस्ट इसको ये आपका धीरे 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 खुल जाएगा। ये मेरा खुल गया, ये आप देख सकते हो ये, और ये यहाँ पे ये प्लास्टिक में रस्ट टाइप का लग गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको फिट करता हूँ। ओके, इसको फिट करने के लिए मैंने जो आपको बताया, इसमें ये यूनिवर्सल फिटिंग्स दिया हुआ है, ये मेरे को नहीं चाहिए। इसको मैं खोल लिया, इसको खोल लिया। अब इसके साथ जो ये नट दिया हुआ रहता है, ये नट को उल्टा करके आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं ये नट है, ये नट को, ये जो शार्प एंड है ये रहेगा बाहर साइड में, ये शार्प एंड में इसको ऐसे लगा के इसको पूरा लास्ट तक टाइट कर देना है अपने को। और ये अपना जो बाइक के साथ मेरा जो लगा हुआ है एलंकी, ये नट हट जाएगा यहाँ पे, आप देख लो, मैं आपको बताता हूँ। ये होल है, ये होल में मेरा ये नट जाके ऐसे करके फिट हो जाएगा। मेरे को उससे पहले यहाँ पे एलंकी जो है इसको निकाल के मेरे को यहाँ से इसको टाइट करना है। ओके, आप देख लो, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पे जो होल है, ये होल में ये नट का जो शार्प एंड है, ये शार्प एंड ऐसे करके लगा के यहाँ पे ये जो एलंकी है इसको खोल के मैं मिरर को निकाल लूँगा, और आप मिडिल में देख पा रहे हो यहाँ से फिर मैं एलंकी को टाइट करके यहाँ पे ये मेरा ऐसे फिट हो जाएगा। मैं इसको फिट करके आपको बताता हूँ। तो जो मैं बता रहा था, देखिए ये नट को मैं पूरा खोल दिया, ये नट मेरा निकल गया हाथ में, ये निकला, और ये जो खुल गया, ये नट को मैं यहाँ पे रख दिया, मिरर को भी रख दिया। अब मैं जो आप बोल रहा था इसको पूरा टाइट कर लेता हूँ, टाइट हो जाओ फ्रेंड्स। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए ये है, ये फिक्स किया मैंने कैसे, आप देख ले रहे हो, ये होल है, ये होल में इसको मैं ऐसे लगा दिया। अब इसको मैं यहाँ पे एलंकी से इसको सेट करूँगा। ये पहले हाथ से ही चला जा रहा है, जितना दूर जाए हाथ से ठीक है।
बार। यहाँ से हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया था उस समय ये हो गया, ये ऐसे लग गया। अब इसको मैं यहाँ पे टाइट करता हूँ। इसको टाइट कर दिया मैं। अब ये मिरर को, ये एलन की नट है, इससे यहाँ पे टाइट करूँगा। तो ये फाइनली सेट हो गया, ये आप देख सक रहे हो। जगह मेरे पे ये दोनों व्यू इसका पूरी आ चुकी है। तो इसका लुक भी अच्छा लग रहा है, जबरदस्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।